गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहे माता रानी, सदा सुखी रहे। हर किसी का सपना होता है अपना खुद का घर हो, लेकिन कई बार यही घर परेशानियां भी पैदा कर देता है। कल हमने जाना था एक से लेकर चार नंबर तक का घर किसके लिए लकी होता है। गुरुदेव से आज हम जानेंगे कि पांच से लेकर नौ नंबर तक के घर किसके लिए लकी होते हैं। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही और क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज मिलेगा, साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल करिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन करिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव पहला कॉलर में इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज उत्तम रहेगा। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और गृह सुख में भी कमी के हालात देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का मिला जुला सा दिन है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आने की संभावना है। गुरुदेव कल हमने एक से लेकर चार नंबर तक के घर वालों की हमने बात की थी कि आखिर उनकी परेशानियां किस तरह से दूर होंगी। बाकी के नंबर्स वाले भी आज इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो आज हम सबसे पहले पांच नंबर की बात कर लेते हैं कि अगर पांच नंबर का घर किसी का है उसमें वो रहते हैं तो दिक्कतें हैं, किस तरह का समाधान उनके लिए। मेरा पांच नंबर बहुत अद्भुत है। मैंने कहा था ना, जैसे मां सर्वेश्वरी की हमने बात करी थी, मां सर्वेश्वरी और पांच नंबर एक ही है। और ये बात कर रहे हैं बुध की, हम पांच नंबर बुध का है। और इसकी खासियत ये है कि ये बुध का, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जिस ग्रह के साथ बैठ जाए ये उसी तरह का फल देता है। ये सत्य बात है। पांच नंबर हमारी बुद्धि का प्रतीक है। बौद्धिक क्षमताओं की अगर हम बात करें और उसके ऊंचेपन की बात करें तो बुध की बात होती है। और बुध और राहु ये दो तरह की बुद्धि होती है। लेकिन राहु की बुद्धि कौन सी होती है और बुध की बुद्धि कैसी होती है ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। अगर मान लीजिए एक चाबियों का गुच्छा है और सामने एक ही ताला लगा हुआ है और चाबियां खूब सारी हैं, जो बुध की बुद्धि का इंसान होगा वो देखेगा कि ताला किस तरह का है, ताले के अंदर जो चाबी वाला जो होल है वो किस तरह का है, फिर उसके अनुसार वो गुच्छे के अंदर देखेगा कि यही होल के अंदर जाने वाली चाबी इनमें से कौन सी है, वो एक या दो चाबी ट्राई करेगा और ताला खुल जाएगा। लेकिन अगर राहु की बुद्धि की बात करें हम, तो उसने ये नहीं देखना कि ताला किस तरह का और ताले का होल कैसा है। उसने बस कोई भी चाबी पकड़नी है, पहले लगानी है निकालनी है, लगानी है निकालनी है, अब पहली लग जाए चाहे वह दसवीं लगे, यानी कि उसने सिर्फ तीर चला। तो ये राहु और बुध की बुद्धि का फर्क है बहुत बड़ा। पांच नंबर। पांच नंबर का मकान हर उस इंसान को सूट कर सकता है जो व्यापारी है, जो किसी भी चीजों के दाम बढ़ाता घटाता हो, किसी भी तरह की चीजों का स्टॉक करके बाद में बेच के बीच में कमीशन खाता हो, किसी चाहे वो हीरे का व्यापारी हो, चाहे वो सब्जी का व्यापारी हो, चाहे वो अनाज का व्यापारी हो, चाहे वो भैंसों का व्यापारी क्यों ना हो, या किसी भी तरह के जैसे गुड्स का व्यापारी हो, यानी कि व्यापार हो उसका। पांच नंबर का मकान हर व्यापारी को सूट करता है और उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरह की तरह पड़ता है। और जो लोग होलसेल का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही उत्तम है। अब ये तो होगी व्यापार में।
लेकिन जो लोगों का काम किसी भी चीज के आइडिया बनाना, सरकार चलाना, व्यवस्था चलाना, कोई बड़े संस्थान चलाना, लेकिन प्लानिंग के साथ जो लोग गाने बजाने के काम करते हैं, एक्टिंग के काम करते हैं, ये सारे बुद्ध के ही काम है बेटा। उनके लिए 5 नंबर का मकान बड़ा सूट करता है। जो लोग किसी भी तरह के ड्राफ्टमैनशिप करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कोई भी चीज की क्रिएटिविटी यानी कि कुछ भी कला आर्ट, इसमें जो लोग हैं वो लोग अगर 5 नंबर के मकान में रहते उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। और जो लोग खास तौर पे किसी भी चीज को, व्यवस्थाओं को चलाने का काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े अफसर होते हैं जो एक ऐसे पद पे चले जाते हैं जहां पर उन्होंने बहुत सारे अफसरों की रिपोर्टिंग देनी है, अपने इलाके को संभालना है, जिनको डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं, ये जितने भी अफसर हैं ये सब अगर 5 नंबर में रहते हैं तो बेटा इनकी इज्जत का कद, इनके काम का कद बहुत बढ़ता है, और यहां तक बहुत बढ़ता है कि मिनिस्ट्रियों तक इनके काम की गूंज जाती है। तो इसलिए 5 नंबर का मकान एक ऐसा मकान है बेटा जो ज्यादातर लोगों को सूट करता है, समझे। 5 नंबर के साथ में 6 नंबर का, यानी कि ये व्यवस्थाओं में चलने वाले लोगों को 6 नंबर का मकान भी बहुत अच्छा सूट करता है, 8 नंबर का मकान भी सूट करता है, क्योंकि बुध के मित्र शुक्र और शनि है, ठीक है। तो इसलिए 8 नंबर और 6 नंबर के मकान भी इनको सूट करते हैं। पर सूट करते कौन से नहीं, ये काम करने वालों को खास तौर पे 9 नंबर का जो मकान है और जो 7 नंबर का मकान है इनके अंदर भूल के नहीं रहना चाहिए। 9 नंबर का तो फिर भी किसी हद तक शायद सूट करता है, लेकिन 7 नंबर का मकान तो इनके लिए जहर की तरह काम करता है और इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे जाता है। इसीलिए बेटा इन नंबरों से बचाव करें, और जो मैंने प्रोफेशन बताया इन प्रोफेशन के लोग अगर 5, 6 और 8 नंबर के मकानों में रहते हैं तो इनको बहुत ही फायदे हो सकते हैं। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सलाह जरूर लें। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज के हालात सामान्य बने रहेंगे। गुरुजी 5 नंबर के बाद नंबर आता है 6, उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्हें किस तरह से परेशानियां आ सकती हैं और अगर हैं तो उपाय उनके क्या हैं? 6 नंबर का मकान, 6 नंबर का मकान बेटा इसकी भी बड़ी अजीब विडंबना है। 6 नंबर यानी कि करंट, एनर्जी, ताकत, जोश, इन सब का नाम 6 नंबर है। और कंजूसी भी और दबा के कमाई भी और घूम घूम के पैसा कमाना, ये सब 6 नंबर है। जो लोग किसी भी तरह की मार्केटिंग का काम करते हैं, एजेंसी का काम करते हैं, समझे, कोई एड एजेंसी वगैरह चलाते हैं या पीआर एजेंसी चलाते हैं या कोई ऐसा जिसमें लोगों को जोड़ के तब अपने लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और उनको फैसिलिटियां दी जाती हैं, इस तरह के जितने भी काम है ये 6 नंबर के मकान के लिए बहुत ही सूटेबल है। और इसी के अंदर बेटा जो लोग इवेंट मैनेजमेंट के काम करते हैं, जो लोग शो करते हैं, कहने का मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि वो जो बच्चों के डांसिंग शो आते हैं, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट आते हैं, कि किसी भी तरह के फैशन शो आते हैं, और सुंदरता से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, मेकअप से रिलेटेड जितने काम होते हैं, औरतों के इस्तेमाल से संबंधित जिनके सामान के व्यापार हैं,
होंगे या सुंदर सुंदर लग्जरी चीजों के व्यापार हैं, स्पा है, सैलून है, समझिए ये जितने हैं बेटा, ये लोग अगर 6 नंबर के मकान में रहते हो तो बहुत ही उत्तम फल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को रोज नई चीजों का शौक है, कीमती चीजों का शौक है, जो सिर्फ ब्रांड की चीज, किसी भी अच्छे ब्रांड की चीज को ही पाना चाहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं, उनके लिए 6 नंबर का मकान सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इन लोगों को सुंदरता से बहुत प्यार होता है। ये तो अगर अपना जीवन साथी भी ढूंढते हैं ना, तो ये 150 लोगों को देखने के बाद एक फाइनल करते हैं, उसके बीच में बेशक 100 लोगों का दिल टूटे इनको परवाह नहीं होती, लेकिन इनके अंदर ये जोश और कर्ण होता ही इतना है कि इनको जो चाहिए बहुत अच्छे पन पे चाहिए। जो भी लोग अपनी जिंदगी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट के काम करवाते हैं, इन्वेस्टर ढूंढ के उनके पैसे लगवाते हैं, पैसों का यानी कि जहां बहुत ज्यादा पैसे के साथ खेल होता है, जो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, ये लोग अगर 6 नंबर के मकान में रहे तो इनके लिए सबसे उत्तम वाले हालात पैदा होते हैं बेटा। अब शुक्र के मित्र कौन है? शुक्र के मित्र हैं बुध देव, उनके मित्र हैं शनि देव, उनके मित्र हैं। तो इसीलिए 6 नंबर मकान में जो रह सकते हैं वो अगर 5 नंबर या 8 नंबर के मकान के अंदर भी रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदे के सौदे हैं। और बल्कि ये जो मैंने जितने भी प्रोफेशन बताए हैं, ये लोग अगर 8 नंबर के मकान या जिसमें 8 नंबर भी आता हो तब मिलाकर के टोटल 6 आता हो ऐसे किसी मकान में रहते हैं तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, और वो तरीका कौन सा है कि अगर मान लो कोई टावर है, तो अगर आप 8 नंबर या 5 नंबर के टावर में 6 नंबर टोटल के मकान में रहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। अब अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाना हो तो 5 या 8 नंबर का टावर हो, 5 या 8 नंबर का फ्लोर हो और उसमें 6 नंबर टोटल हो, बेटा अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बना करके मकान देखते हो तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने जीवन को देखिए और चलाइए, देखिए आपका भाग्य किस तरह से आपका साथ देता है। गुरुजी शो में आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर की भी बात करते हैं। जो लोग 7 नंबर वाले घरों में रहते हैं उन्हें किस तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर अगर हैं तो उनका समाधान क्या है? 7 नंबर, 7 नंबर ये अपने आप में बड़ा अलग है। 7 नंबर है बैन, झंडा, किसी भी चीज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना और जितने भी तरह के लग्जरी से संबंधित वो काम जो गलत भी माने जाते हैं, या ऐसे सही काम जिनके अंदर नाम और ब्रांड को बढ़ा करके अपना झंडा स्थापित करना हो, ये सारे के सारे बेटा 7 नंबर में ही आते हैं। 7 नंबर को वैसे तो व्यापार से, सुंदरता से, स्वास्थ्य से, मौज मस्ती से, इन सब के साथ जोड़ के देखा जाता है। ये वो लोग होते हैं या तो जो लोग पूरे गुरु के भक्त हैं, जो लोग गुरु की भक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, या किसी संस्थान के साथ जुड़ करके उसको ही सब कुछ मानते हैं और उसी के लिए दिन रात जो मेहनत करते हैं, या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ करके वो पार्टी के लिए 100% अगर वफादार है और उसी के लिए सब कुछ अगर कर रहे हैं, उनके लिए बेटा 7 नंबर का मकान बहुत ही शुभफलकारक है। और जिन लोगों ने किसी भी चीज का अपने नाम से ब्रांड निकाला है और उस ब्रांड को जिंदगी के अंदर बहुत आगे निकाल के लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए दिन रात पागलों की तरह मेहनत करते हैं और चैन नहीं लेते, उन लोगों के लिए 7 नंबर का मकान बहुत ही शुभ है। ठीक है, और जो लोग लग्जरीज की सेवाएं देते हैं, जैसे जिनका होटल बिजनेस है और जिनका स्पा है, जिनका बहुत अगर कोई सैलून है, जो लोग किसी भी तरह की थेरेपी में हैं, समझिए, या किसी भी तरह की ऐसी थेरेपी जिसके अंदर जैसे हम कहते हैं ना एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर,
इनमें भी जो लोग हैं बेटा, इनके लिए 7 नंबर का मकान बहुत टॉप का है। चलिए, जिन बच्चों की सोच मॉडर्न जमाने की हो, मॉडर्न जमाने को अडॉप्ट करके और उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाना हो या अपनी किसी चीज को ब्रांड बनाना हो या ऑनलाइन उनको कोई प्रोडक्ट ऐसा स्टेब्लिश करना हो जिससे कि वो अपनी जिंदगी के आगे की ग्रोथ देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 7 नंबर का मकान इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। Okay? जो लोग कुत्तों के व्यापारी हैं उनके भी, यानी कि इस तरह के जो धंधे होते हैं, जो डीजल हैं, इन लोगों के लिए 7 नंबर का मकान बहुत ही फलकारी है। ठीक है, तो बेटा केतु है ये, और ये लोग अगर 7 नंबर के मकान में रहे और उसके अंदर कुत्ता या कई कुत्ते पाले तो ये जिंदगी के अंदर बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिंदगी में सदा खुशहाली पाते हैं। लेकिन जो लोग गुरु के भक्त हैं, जो अपने गुरु के लिए ही जीते हैं, उसके लिए ही सब कुछ करते हैं, वो भी लोग 7 नंबर के मकान में रह सकते हैं, क्योंकि केतु और गुरु ये आपस में गुरु चेला है, यानी कि बृहस्पति देव गुरु है और केतु चेला है। तो लेकिन अगर ऐसे लोग कुत्तों को घर पे रखते हैं, कुत्तों की सेवाएं करते हैं या उनका इलाज करते हैं, तो उनका नाम अपने संस्थान में बहुत ऊंचे पदों तक जाता है और एक समय ऐसा आता है जब ये लोग स्वयं गुरु बनने की काबिलियत पा लेते हैं। तो इसलिए 7 नंबर मकान बहुत ही उत्तम, और 7 नंबर के साथ में क्या चलता है, 7 नंबर के साथ 6 नंबर बहुत अच्छा चलेगा और 7 नंबर के साथ ही 8 नंबर बहुत ही अच्छा चलेगा, और 7 नंबर के साथ 3 नंबर बहुत 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 अच्छा चलेगा। तो इसीलिए बेटा ये कॉम्बिनेशन भी कैसे बनाना मैं आपको बता चुका हूं। मान लो टावर ही टावर, अब मान लो 8 नंबर का टावर हो, 6 फ्लोर हो और 7 नंबर का आपका घर, तो देखिए क्या तरक्की मिलती है। या 3 नंबर का टावर हो या 3 नंबर का फ्लोर हो, ठीक है, और 8 नंबर का इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बनाओ और 7 नंबर का घर हो, फिर देखिए क्या तरक्कियां मिलती है। क्योंकि ये जो ब्रांड से संबंधित काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रांड के लिए लिखे जोखे करते हैं, यानी कि उनको रजिस्टर करवाना, उनके लिए सारा कुछ देखना, क्या क्या होता है बेटा शर्मा पूरी बातें नहीं जानता, लेकिन जो नाम और ब्रांड इसके लिए काम कर रहे हैं वो सब 7 नंबर के लिए बहुत ही उत्तम हालात देते हैं। गुरुदेव, इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात के सूरत से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय क्या है ये बताएं, उसके बाद अपना सवाल पूछें। जन्म तारीख है 21/9/1968 और टाइम है रात का 11:05। जन्म स्थल है सूरत, गुजरात। मैं करीबन 20-25 साल से बहुत परेशान हो रहा है, आर्थिक मानसिक और शारीरिक से सबसे मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है। 1992 से तुम्हारे ऊपर चली थी राहु की दशा और राहु तुम्हारे लाभ स्थान के अंदर बैठा बहुत खराब, जो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कुछ भी करवा सकता है, नहीं तो लाभ तो बिगाड़ेगा। उससे पहले 1985 से चली मंगल की दशा, मंगल नीच का पराक्रम स्थान के ऊपर और जो कि कहते हैं कि घर के अंदर खुशियों का दुश्मन होता है और जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी का दुश्मन होता है और पूरी तरह से लाभ नहीं देता, तो वहां से लगातार चला आ रहा है और अब चल रही है तुम पे 2010 से बृहस्पति की योग दशा। तो इसीलिए जब तक बेटा इनका तुम उपाय नहीं करते, तुम किसी भी तरह की समृद्धि इकट्ठी करने की कोशिश करो, रेत के पहाड़ की तरह बिखर जाएगी और कितना भी प्रभाव दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करो वो समय पे बिगड़ ही जाएगा, लाभ तुम्हारा खराब हो ही जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी समृद्ध इंसानों की गिनती में तुम आओगे, क्योंकि सूर्य, बृहस्पति और चंद्र जो तुम्हारे चौथे घर के अंदर बैठे हैं, ये एक बहुत शानदार योग बैठा हुआ है जो अंदर से भले ही थोड़ी कमियों के योग बनाए, तकलीफें बहुत है काम धंधे में, लेकिन रखता समृद्ध का समृद्धि है। सबसे पहले बेटा 4 नारियल पूजा वाले लेने हैं, उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के तुम इन्हें 43 शनिवार शनि मंदिर के अंदर दो। सबसे पहले ये काम कर दो बेटा। दूसरा उपाय है बेटा शुक्र और बुध, इसके लिए हर शुक्रवार को कांसे के कटोरे के अंदर दही भर के किसी भी मंदिर के अंदर रखना शुरू कर दो। मात्र ये 2 उपाय करके देखो, तुम्हारी जिंदगी हर तरह से
सब बाधाओं से मुक्त होकर के तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जिंदगी मिलेगी। और ये कांसे के कटोरे में जो दही वाला उपाय है, तुम चाहो तो इसे 2, 4, 5 साल तक कंटिन्यू रख सकते हो। और तुम्हें एक बार इसकी आदत पड़ गई और उसके बाद जब तुम्हारा काम और इज्जत की बढ़ोतरी तुम देखने लगोगे, मेरे को नहीं लगता कि तुम अगले 5-7 साल तक या अपने जीवन के अंदर इस कांसे के कटोरे का टैक्स छोड़ोगे। ये देते जाना, परमात्मा खूब सुख देगा। खुश चले प्रभु। तुला राशि। तुला राशि वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है। आज खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाने की कोशिश करें। बेवजह के विवाद परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे मित्र आपकी कठिन परिस्थितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपका आज में आशानुरूप सफलता वो दिखाई नहीं पड़ रही, और क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। आज धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य में भी किसी न किसी को परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है या खामखाई का परिवार वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। तो गुरुदेव, अब हम जानना चाहेंगे 8 नंबर वाले घर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कि किन लोगों के लिए इस तरह का जो घर है जिसका नंबर 8 होता है वो लकी होता है और परेशानियां हैं तो उसका उपाय। तुमने श्रीमुख नंबर की बात करी है कि ये नंबर बहुतों को सुख दिला सकता है। आजकल आपने देखा है कि रियल स्टेट का क्या हाल हुआ है, बिल्डरों का क्या हाल हुआ है। वाकई में बेटा बहुत बड़े एक तरह का सदमे से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी तकलीफों से गुजर रहे हैं। शनि जिनके अच्छे हैं, जो लोग बिल्डर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियस्ट हैं, किसी भी तरह के दूध देने वाले जानवरों के काम करते हैं जो लोग, और जो लोग किसी भी तरह की शनि की वस्तुएं यानी कि उड़द साबुत, चने काले और या बहुत सारी लेबर को रख के करवाने वाले काम, रोड़ों के काम, ठेकेदारियों के काम ये करते हैं, और जो लोग खास तौर पे किसी भी ऐसी प्लानिंग जो सरकारी प्लानिंग बना करके कॉन्फिडेंशियल रख के उसको आगे बढ़ाना हो, चलाना हो, इन सबके लिए 8 नंबर अमृतमय है। इसका लिखाई पढ़ाई से कोई संबंध नहीं। आपका प्रोफेशन क्या है बेटा, सिर्फ इस चीज से ज्यादा संबंध है। और जो लोगों को लेबर हमेशा सूट करती है, जिनको नौकर रखने आते हैं, नौकरों से काम लेना आता है, जिनके पास अपने मकान है और जो खुद स्वयं भी बिल्डर का काम कर चुके हैं या जिनको मकान बनाने के बहुत शौक है, जो इंटीरियर डेकोरेटर है, ये सब लोग बेटा 8 नंबर के मकान में रहे तो दिन धूनी रात चौगनी तक ही देता है। और शनि, शनि तो वैसे ही बेटा इस धरती के ऊपर सुखों का प्रधान नंबर है। ये कि जो भी कुछ देता है, जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, जितने बड़े बड़े घर हैं, जितने नौकर चाकरों के सुख हैं, जितने भी डिप्लोमेटिक वे में काम करने वाले जितने लोग हैं, जितने डिप्लोमेट हैं, ये सब अगर 8 नंबर के अंदर रहें तो बेटा ये बहुत ही शुभ फलकारक होता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग जब भी मकान बनाते हैं उनके घर पे कोई मुसीबत आती है, जो लोग जब भी कभी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं उसके अंदर डूब जाते हैं, और जो लोग एक लड़ने वाला अपने अंदर स्वभाव रखते हैं, जो लोग ईगो रखते हैं, जो अपने पिता के साथ में भी ईगो बना लेते हैं, जिन लोगों का बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव है, जिनको खांसी बहुत रहती है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, ये लोग अगर 8 नंबर के मकान में रहेंगे तो इनका बहुत ही बुरा हाल होगा और दुख पे दुख आएंगे। और जो लोग खास तौर पे जिंदगी भर में जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, अगर कहीं वो 8 नंबर मकान में रहते रहे तो वो बेटा वाकई में सारी जिंदगी तक ही काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शनि जिनको बनाता है तो बहुत बनाता है और जिनको उजाड़ता है तो बहुत ही उजाड़ता है। इसीलिए
जिनको अपने मकान नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लगा पाते, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, जिनमें ईगो प्रॉब्लम बहुत है, जिनमें चिड़चिड़ापन बहुत है और जिनको जोड़ों के दर्द है, ये लोग तो उल्टा शनि के किसी भी तरह के दान हर शनिवार को करें तभी उत्तम है। और भूल के भी ये लोग 4 नंबर मकान, 8 नंबर मकान और 9 नंबर के मकान में कभी ना रहे, ठीक है। और जिनके शनि अच्छे हैं, जो बिल्डर भी हैं और उससे पहले फायदा भी उठा चुके हैं, जो रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्टर हैं या लेबर से काम करवाते हैं या फिर किसी भी तरह के प्लानिंग से संबंधित, सीक्रेट रखने से संबंधित जो लोग काम करते हैं, बेटा इन लोगों को 8 नंबर के मकान, 5 नंबर के मकान, 6 नंबर के मकान, 7 नंबर के मकान, इनमें से किसी में भी अगर रहते हैं तो इनको जिंदगी के अंदर सदा ही उत्तम फल मिलते हैं। और यही 5, 6, 7 और 8 इसका कॉम्बिनेशन अगर किसी भी तरह से ये बनाकर चलते हैं तो जिंदगी में बहुत ही खुशहाली होती है। लेकिन 8 नंबर मकान वालों को 1 और 2 नंबर से सख्त तौर पर बचना चाहिए। 1, 2 और 9 कईयों को सूट कर जाता है, कईयों को नहीं करता, तो इसलिए मैं उसको बीच में नहीं जोड़ा। 1 और 2 नंबर का साथ में कहीं कॉम्बिनेशन बन जाए तो 8 नंबर वालों को बहुत घातक है। और खास तौर पर आप बिल्डरों की जो बात कर रहे हैं आज, बेटा जिन लोगों ने बिल्डर रहते हुए टोटल में 1 या 2 नंबर का मकान अपने लिए बना लिया, उनके बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा है। और साथ ही अगर मान लो उन्होंने 1 नंबर टावर में दूसरी फ्लोर के ऊपर अपना मकान बना लिया तब भी उनके लिए मामले बहुत खराब हैं। तो इसलिए बेटा किन से बचाव करना है आपको यह भी बता दिया, किन के अंदर रहना है यह भी बता दिया। तो शनि देव से तो खास तौर पे अपने हालात के अनुसार मकान चूज करके रहें तभी ये अच्छा फल देंगे, वरना ये बिगाड़ भी सब कुछ देते हैं। गुरुदेव बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज के दिन का हाल। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में तो अच्छा दिन है, उसमें लाभ के हालात भी नजर आ रहे हैं, परंतु खर्चे अधिक होंगे। पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है। आज आपको यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नजले जुकाम से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चले। मीन राशि वालों का भी दिन मिला जुला सा है। आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे, किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं, परंतु मित्रों से अनबन होकर के मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें। और गुरु जी बात करेंगे 9 नंबर वाले घर की, इसमें किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, किस राशि के लोगों को रहना चाहिए और अगर दिक्कत होती है तो किस तरह से आती है। बेटा इस धरती के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है जीवन में वो होता है खून, और खून यानी कि मंगल यानी कि 9 नंबर, यही जिसके अंदर खून की मात्रा अच्छी रहती है जो इंसान स्वस्थ है। 9 नंबर की खासियत क्या है, ये आपको जोश देता है, आपको दोस्त बनाने की प्रेरणा देता है, आपको बिना पॉलिटिक्स के सीधे साफ तरीके से ज्यादा मेहनत करके जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है ये मंगल देता है। और जो लोग लोगों का भला भी करते हैं, दिल के अच्छे भी बहुत है समझे, और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं उनका, और जिनको अपने भाइयों का बहुत सुख है या भाई अगर निकम्मे भी हों या उन खराब भी हों लेकिन उसके बावजूद वो अपने भाइयों का बहुत साथ देते हों और यारों दोस्तों के लिए तो अपना सब कुछ लुटा के भी रख देने वाले हों, ये होते हैं मंगल प्रधान लोग। और ये लोग अगर 9 नंबर के मकान में रहते हैं तो ये चाहे कितना भी खर्च कर ले बेटा उसके बावजूद इनका धन बढ़ता है, लेकिन इनकी एक कमी होती है, ये इतने अच्छे इनके होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि बुध इनके आसपास भी नहीं होता, ये तो सिर्फ अपना थॉट देते हैं, अपनी प्लानिंग बनाते हैं, खर्च करते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को 9 नंबर के मकान के अंदर रहते हुए धन की कमी नहीं आती, इनके काम सारे पूरे होते चले जाते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो जाती है। ये लोग किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन इनकी एक कमी होती है और वो होती है विपरीत लिंगी के अट्रैक्शन। अगर ये उसमें ज्यादा जाने लग गए और बहुत जल्दी से अपने साथी बदलने लग गए तो ये इसका सबसे घातक रूप होता है। इसीलिए 9 नंबर के मकानों में रहने वाले को इस चीज से सिर्फ एक बचाव करके रखना है, बाकी उनके लिए मानसिकता वाइज बहुत अच्छे हैं, दिल के वाइज बहुत अच्छे हैं, वर्किंग इनकी बहुत अच्छी होती है। जब भी कोई कार्य करते हैं तो लोगों की भलाई के लिए करते हैं, अपना फायदा जरूर देखते हैं लेकिन लोगों की भलाई के लिए करते हैं, और जब भी कहीं वार व्यवहार की बात आती है तो बिल्कुल नैतिकता का साथ देते हुए उसको बढ़ाते हैं। तो ये सारे इनके अंदर गुण होते हैं, लेकिन अवगुण सिर्फ यही एक होता है विपरीत लिंगी वाला। अगर इसको ये कंट्रोल में रखें तो 9 नंबर से उत्तम मकान इनके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और यही 9 नंबर वाले ऐसे भी होते हैं जो हालात के अनुसार अपनी मानसिकता को बदल के किसी भी रूप रंग में ढल जाते हैं। इन लोगों की खासियत होती है कि ये जब बहुत अमीर भी हो जाते हैं तो किसी ऐसी रेड़ी के ऊपर खड़े होकर खाना जहां सिर्फ 12 रुपए में छोले भटूरे मिल जाए इनको वो भी कबूल होता है, कहने का मतलब ये वहां पर भी परवाह नहीं करते। ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ भी होते हैं और ये राजा भी होते हैं। सोचिए जो लोग इस तरह के दिल दिमाग के मालिक हैं बेटा, उन लोगों को 9 नंबर का मकान बहुत सूट करता है, और 9 नंबर के साथ 1 नंबर 2 नंबर ये भी अगर मकान या इसका कोई फिगर बनाया जाए, जैसे कि 1 नंबर टावर के अंदर दूसरे फ्लोर के ऊपर 9 नंबर का मकान हो, या 1 नंबर टावर में 9वीं फ्लोर के ऊपर 2 नंबर का मकान हो, ये कुछ इस तरह का बनाया जाए बेटा, तो बहुत ही उत्तम फलों का कारक बनता है बेटा। और ऐसे के बाद में ये जिंदगी के अंदर सदा तरक्की पे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हां, इनको जो बचना चाहिए, इनको 4 नंबर मकान से बचना चाहिए, इनको 8 नंबर मकान से बचना चाहिए, और कोशिश वैसे 5 की भी करनी चाहिए कि इसके साथ ना ही जुड़े तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कईयों को 5 सूट कर जाता है। 7 नंबर ये एक ऐसा नंबर है कि अगर ये सूट कर जाए 9 नंबर वालों को तो तरक्की को 11 गुना कर देता है, लेकिन अगर ना करे तो लड़ाई झगड़े कलेश दिमागी टेंशनों पे ये जिंदगी को ले जाता है। ये इसी को आजमाने की पूरी कोशिश ना करें, अगर कोई रह रहा है और उस हिसाब से सूटेबल है तो बहुत बेहतर है बेटा, लेकिन नए आजमाने की कोशिश ना करें। आजमाइश के लिए जो भी है वो मैंने आपको बताया, 1, 2 और 9 नंबर, इसका कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत सुख देगा। और अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह गुरुजी से हम गुरु मंत्र लेंगे। तो गुरुजी, आज हमारे दर्शकों के लिए घर की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो इसी को लेकर कोई खास भी बेटा? घर की बात हो रही है और घर के अंदर सबसे अहम चीज क्या होती है? घर के अंदर सबसे अहम चीज है आपका रसोई घर। रसोई घर हमेशा जब भी बने तो सूर्य है तो अपने मित्रों की दिशा में ही ये ठीक है, यानी कि या तो दक्षिण में या फिर उत्तर का कहीं इसको थोड़ा बहुत साथ मिलता हो या पूरब हो। अगर रसोई पश्चिम में बन जाए, उत्तर पश्चिम में बन जाए, दक्षिण पश्चिम में बन जाए तो बेटा ये बहुत ही घातक रूप लेता है। आप देखिए कि जहां दक्षिण पश्चिम के अंदर रसोई बनी हुई है वहां मियां बीवी की बनती ही नहीं है। इवन उस घर के अंदर यहां तक के भी हालात पैदा हो जाते हैं कि पत्नी को पता होता है कि उसके पति के संबंध कहां है, या पत्नी के साथ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम वो पत्नी के साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए घर के अंदर सिर्फ एक किचन जहां आपका खाना पूरा बनता है, जहां ज्यादातर गृहिणी ज्यादा समय उसी में बिताती है और उसी का संबंध पूरे परिवार का बनता है, वो जगह सबसे उत्तम रहनी चाहिए। और वो उत्तम जगह घर का पूरब, दक्षिण या पूरब उत्तर, बेटा इस तरह की कोई भी जगह पे अगर रसोई हो तो तभी आपका जीवन सुखकारी रहेगा। और जो पश्चिम का टच करते हुए जहां रसोई होगी, आपका नंबर कोई भी हो घर का, वहां दुख ही रहेगा। तो यही गुरु मंत्र है,
कि अगर पश्चिम का टच लिए आपके घर में रसोई है तो उसे फौरन बदल दीजिए, वरना जीवन चाहे कितना भी स्मूथली चलाने की कोशिश करो उसके अंदर दुखों की मात्रा पड़ी ही रहेगी। तो बेटा इसको देखो, आजमाओ और करो, दाता जरूर सुख देगा। तो आज का शो देखने के बाद घर की वजह से आ रही परेशानियों के उपाय आपको जरूर मिल गए होंगे। बस गुरुदेव ने जो आपको लक्षण बताए हैं उसे ध्यान में रखें और उपाय करते जाएं। आपके सितारे हमेशा आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।